सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस सीजन 12 का ये है 15th वीक या फिर यूं कहें कि आखिरी हफ्ता, जिसके अंत में हमें पता चल जाएगा कि बिग बॉस सीजन 12 का विनर कौन होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ पर ये बताने जा रहे हैं कि बिग बॉस सीजन 12 के लोकप्रिय कंटेस्टेंट जनता की पसंद और सबके फेवरेट शांता कुमारन श्री सन इस बार के विनर हो सकते हैं। और हम बताने जा रहे हैं आपको वो 5 कारण जिनकी वजह से वो हो सकते हैं सीजन 12 के विनर। तो जरा गौर फरमाइएगा। नंबर 1, बिग बॉस और मेकर्स की पसंद। श्रीशांत शुरुआत से लेकर अभी तक काफी अग्रेसिव नजर आए हैं और कई दफा उन्होंने घर में ऐसे रूल्स ब्रेक किए हैं जिनकी सजा सिर्फ घर से बेघर होना ही होता है। लेकिन बिग बॉस और मेकर्स ने उनकी हर एक गलती को माफ किया है और घर के बाहर जाने की उनकी जिद को उन्होंने कई बार शांत भी किया और हर बार वो उनके लिए सपोर्टिव नजर आए और अभी तक वो बिग बॉस सीजन 12 में बने हुए हैं। और शायद अगर इसी तरह से इन लोगों का सपोर्ट रहा श्रीशांत के साथ तो वो सीजन 12 के विनर भी हो सकते हैं। नंबर 2, सलमान्स फेवरेट। घर में कई बार श्रीशांत कुछ ऐसी गलती करते हैं, घर की लड़कियों के साथ उन्होंने बदसलूकी की, बदतमीजी की, घर से बाहर बार बार जाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सलमान खान ने उन्हें ज्यादा कुछ ना सुनाते हुए बस उन्हें समझाया ही कि श्रीशांत काम डाउन, आराम से ढंग से खेलो, बढ़िया तरीके से खेलो, शायद तुम जीत सकते हो। और घर में हर हफ्ते ही उनकी नई और बड़ी गलतियां सामने आती रही, लेकिन सलमान खान उन्हें थोड़ी सी डांट फटकार लगाते और फिर उन्हें समझाते हुए नजर आते। नंबर 3, एंटरटेनर। श्रीशांत वाकई एक बहुत बड़े एंटरटेनर हैं और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि एक घंटे के एपिसोड में सबसे ज्यादा टीवी स्क्रीन स्पेस मिलता है श्रीशांत को, क्योंकि टीवी स्क्रीन स्पेस में सबसे ज्यादा नजर आते हैं श्रीशांत। कभी दीपिका के साथ, कभी सुरभि राणा के साथ झगड़ते हुए, तो कभी किसी और सदस्य के साथ झगड़ते हुए, तो कभी घर से बाहर जाने की कोशिश करते हुए। तो इस तरह से देखा जाए तो श्रीशांत सबसे बढ़िया एंटरटेनर रहे हैं। नंबर 4, जनता की पसंद। श्रीशांत भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं और उनके ढेरों फैंस हैं, उनके क्रिकेट के फैंस हैं और यहाँ तक कि अब उन्होंने मूवीज में भी डेब्यू किया है और कई उन्होंने रियलिटी शोज भी किए हैं, जिनकी वजह से उनके फैंस की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और इसी वजह से जब भी वो नॉमिनेट हुए हैं घर से बेघर होने के लिए, जनता ने उन्हें वोट किया है और उन्हें बचाकर वो लेकर आए हैं 15th वीक में। और इसी तरह से अगर उनके साथ रहा जनता का सपोर्ट तो वो ये शो भी जीत सकते हैं। नंबर 5, मास्टरमाइंड। श्रीशांत के लिए मास्टरमाइंड वर्ड इसलिए यूज किया जा सकता है क्योंकि श्रीशांत वाकई मास्टरमाइंड है। पहले उन्होंने ये कहा था कि दीपिका कक्कर ने उनके साथ जो किया वो गलत है, वो उनसे बदला लेंगे, और फिर बाद में जब घर में एंट्री हुई तो सारे घर वालों को दीपिका के खिलाफ कर दिया और खुद दीपिका के सपोर्ट में आ गए, जिस वजह से दीपिका को लगा कि श्रीशांत उनके असली दोस्त हैं, उनके भाई हैं, वही उन्हें सपोर्ट करते हैं, सारे घर वाले बहुत बुरे हैं। इस वजह से दीपिका का सपोर्ट हमेशा श्रीशांत के साथ रहा। और जब घर में दो टीम्स बनाई गई, वुल्फ पैक और हैप्पी क्लब, तो वुल्फ पैक के कैप्टन रहे थे श्रीशांत, और इस तरह से देखा जाए तो वो हमेशा ही घर में लीड करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये थे वो 5 कारण जिनकी वजह से श्रीशांत बन सकते हैं सीजन 12 के विनर। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको वाकई लगता है कि इन 5 कारणों की वजह से श्रीशांत बिग बॉस सीजन 12 के विनर बन सकते हैं या फिर नहीं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।